तक आशीर्वाद मिल रहा है, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। मैं भी किसान पुत्र हूँ और हर व्यक्ति के साथ संपर्क में हूँ। हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं, 100% आशीर्वाद। कांग्रेस का आचरण है और दलित विरोधी है। हमारी बहन के लिए हमारे मन में सम्मान है, हमारी माँ बहनों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को जो सम्मान मिलता है वो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत मान सम्मान के साथ रहने वाले व्यक्ति। हम लोग उचाना में कमल का फूल खिलाएंगे, 100% आश्वस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा देश ही नहीं पूरा विश्व मानता है, तो हम लोग माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी नीतियों पर चलते हुए हम लोग, मैं बता रहा हूँ दोबारा फिर आपको, हम लोग तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और लोग समझ चुके हैं और अब की बार लोग वोट की चोट के साथ सबक सिखाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र सिंह अत्री और इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा और ब्रजेंद्र की जोड़ी उचाना में नजर आई है, क्या मानते हैं कितना मजबूत रहेगी ये जोड़ी? देखिए, कांग्रेस की सब हर चीज़ को हर व्यक्ति समझता है और मुझे पूरा विश्वास है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है। मैं भी किसान पुत्र हूँ और हर व्यक्ति के साथ संपर्क में हूँ। हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं, 100% आश्वस्त हैं। तो वो कहते हैं कि ये जोड़ी जो है ये केवल उचाना में नहीं बल्कि चंडीगढ़ तक ये जोड़ी जाएगी। कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता, लोकतंत्र है। हम लोग तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता हरियाणा में आ रहे हैं बीजेपी के, तो उनका कितना प्रभाव मानते हैं? बिप्लव देव की बात हो, वो उचाना में लोगों से संपर्क किया, जनसंपर्क किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कहें या केंद्रीय मंत्री, वो भी हरियाणा में आए हैं, अमित शाह भी आए हैं और मोदी जी भी आने वाले। देखिए, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा देश ही नहीं पूरा विश्व मानता है, तो हम लोग माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी नीतियों पर चलते हुए हम लोग, मैं बता रहा हूँ दोबारा फिर आपको, हम लोग तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। नैना सिंह चौटाला ने हरी चुनरी चौपाल का कार्यक्रम किया। देखिए, एक लोकतंत्र है, कोई भी कुछ करे और लोग समझ चुके हैं और अब की बार लोग वोट की चोट के साथ सबक सिखाएंगे। अच्छा, एक बात और, अगर हम बात करें महिलाओं के ऊपर बयानबाजी की, बांझ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो काफ़ी चर्चा का विषय बने। देखिए, हमारी महिलाएं बहनें हमारे लिए सम्मानित है, पूजनीय है। कांग्रेस की नीति रही, कांग्रेस की का आचरण रहा है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है और मैं घोर निंदा करता हूँ। जी, वही कुमारी शैलजा की अगर हम बात करें, उसको लेके अलग अलग टिप्पणियाँ की गई हैं, उस टिप्पणियों को, उन बयानों को आप किस तरह से देखते? देखिए, मैं तो बोल ही रहा हूँ, कांग्रेस का आचरण है और दलित विरोधी है। हमारी बहन के लिए हमारे मन में सम्मान है, हमारी माँ बहनों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को जो सम्मान मिलता है वो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत मान सम्मान के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। जीत को लेके कितना आश्वस्त है? जीत को लेके 100% आश्वस्त हैं, 100%। हम लोग उचाना में कमल का फूल खिलाएंगे, 100% आश्वस्त हैं। ये थे देवेंद्र सिंह अत्री, बीजेपी के उम्मीदवार, जिनका साफ तौर से कहना कि भले ही ब्रजेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी उचाना में नजर आती हो लेकिन उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, उचाना की जनता बीजेपी का कमल खिलाएगी। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार क्या कुछ रहेगा। बहरहाल, एक बात होता है कि उचाना की राजनीति में तड़का लगना शुरू हो गया है। वीडियो अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास रैना।